जेल में कैदियों से मिलने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन मोबाइल से या लैपटॉप से कैसे करते हैं, इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे कि आप कैदियों से दो तरीकों से मिलकर बातचीत कर सकते हैं। पहला तरीका है आप फेस टू फेस मिलेंगे और वहां पर बातचीत करेंगे। दूसरा तरीका है कि आपको वीडियो कॉल के जरिए आपको वहाँ पर दिखाया जाएगा और वहाँ पर आप बातचीत करेंगे। तो हम आपको बताएंगे दोनों तरीकों का रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है इस वीडियो के अंदर। वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मोबाइल या लैपटॉप के गूगल के सर्च बार में आएंगे और आपको टाइप करना है NPIP और यहां से आपको सर्च कर लेना है। तो आपके सामने इस तरह का पेज आएगा, यहां से आप नीचे आएंगे, यहां पर आपको न्यू रजिस्ट्रेशन इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो आपके सामने नया पेज ओपन होगा। जब आप यहाँ से नीचे आएंगे तो इस तरह का पेज आता है। अगर इस तरह का पेज नहीं आता है तो आप इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, ई मुलाकात, तो इस तरह का पेज ओपन होगा। आप यहां से नीचे आएंगे तो विजिटर डिटेल्स में आप यहां पर लिखते हैं आपसे क्या मांगा जा रहा है। तो जो भी मिलने के लिए जा रहे हैं उनका नाम भरेंगे, उनके पिताजी या हस्बैंड का नाम भरेंगे, उनका एड्रेस क्या है वो आप भरेंगे, उसके बाद उनका जेंडर सेलेक्ट करेंगे, एज क्या है, उनका आधार कार्ड में क्या उम्र है वो आप यहाँ पर देंगे, रिलेशन में उनका रिलेशन क्या है उन कैदियों से वो आप यहां पर भरेंगे। जब इस पर क्लिक करते हैं तो बहुत सारे यहां पर रिलेशन आ जाते हैं, अपने अनुसार जो भी रिलेशन है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। नीचे आएंगे तो आपके पास क्या आइडेंटिटी प्रूफ है जो आप उनसे मिलने के लिए जा रहे हैं। तो फिलहाल आप यहां पर इसमें कुछ ही डॉक्यूमेंट्स का यहां पर लिस्ट में नाम है, तो आपको आधार कार्ड देना, और अगर आपके पास आधार कार्ड है तो उस आधार कार्ड का नंबर इसमें आईडी नंबर में आपको डाल देना, इसको आपको डिलीट करके। उसके बाद नीचे आएंगे तो आप यहाँ पर इस डिलीट हो रहा है, नीचे आएंगे तो आप यहाँ पर इस तरह की ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, जो भी आपके मोबाइल में ईमेल आईडी लॉगिन है उस ईमेल आईडी को दीजिए, क्योंकि ईमेल पर ही आपका वहाँ से मैसेज आएगा और मोबाइल नंबर पर, तो दोनों देना कंपलसरी है। आप ईमेल आईडी ध्यानपूर्वक सही सही फिल करिए और मोबाइल नंबर भी आपको सही सही फिल करना है, ध्यानपूर्वक आप इस बात को देखेंगे। उसके बाद यहाँ से नीचे आते हैं तो आप यहाँ पर देखते हैं कि स्टेट का ऑप्शन मिलता है। सो आप यहाँ पर देखते हैं जिस भी राज्य में कैदी हैं कैद, उस राज्य को आपको सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद उस राज्य में किस जेल में वो कैदी हैं उस जेल को सिलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर स्टेट सेलेक्ट करता हूँ, नीचे आएंगे तो फिर जेल सेलेक्ट करता हूँ किस जेल में कैदी है। तो आप यहाँ पर इसलिए मैंने जेल यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया। नीचे आएंगे तो किस डेट को आप अपॉइंटमेंट बुक कर रहे हैं जिससे आप कैदी को मिलेंगे, तो आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप अपना डेट यहाँ से बुक करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे अपना मंथ भी चेंज कर सकते, मतलब मंथ भी चेंज कर सकते हैं अपने अनुसार कौन से महीने में आप मिलेंगे। सो आप यहाँ पर इसते हैं और अपने अनुसार यहाँ पर डेट सेलेक्ट करेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर इसते हैं कि इसमें आपसे पूछा जा रहा है एडिशनल विजिटर। मान लीजिए यहाँ पर जिनका नाम दिए, एक आदमी का यहाँ पर नाम दिए, और एक आदमी के अलावा मान लीजिए दो आदमी और जा रहे हैं, तो आपको यहाँ पर दो टाइप करना है एडिशनल विजिटर नेम। सो आप यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर अगर दो आदमी मिलने के लिए जा रहे हैं तो इन दोनों आदमियों का नाम आपको यहाँ पर कैसे भरना है, तो आप यहाँ पर लिखते हैं, मैंने यहाँ से पेस्ट कर दिया। तो आप यहाँ पर लिखते हैं दो आदमी मिलने के लिए जा रहे हैं, यहाँ पर भी आपको दो भरना है। अगर दो आदमी के लिए जा रहे हैं मिलने के लिए दो भर देंगे, और उन दोनों का नाम आपको यहाँ पर नीचे में भरना होगा जिस तरह से मैंने भर दिया कॉमा देकर, तो आपको भी इस तरह से भरना है। फिर से नीचे आएंगे तो जो आपके कैदी हैं उनका नाम यहाँ पर भरेंगे, उनके पिताजी का नाम भरेंगे, उनका एज कितना है आधार कार्ड में वो भरेंगे, उनका जेंडर भरेंगे। अब यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है कि विजिट मोड, आप जो यहाँ से फिजिकल मिलेंगे या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। तो फिजिकल मतलब होता है कि आप फेस टू फेस मिलना चाहते हैं जेल में जाकर, और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अगर जिस जेल में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा नहीं होती है तो आप वहाँ पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नहीं मिल सकते, इस बात को आपको ध्यान देना होगा। तो आपको यहाँ पर फिजिकल यानी फेस टू फेस ही मिलना पड़ेगा। तो आपका जो भी है अपने अनुसार सेलेक्ट करेंगे, आप फेस टू फेस मिलेंगे या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। तो आप यहां से नीचे आएंगे, ये जो कैप्चा आपको दिख रहा है इस कैप्चा को आप यहां पर नीचे फिल करेंगे और सबमिट करेंगे, तो आपके उस मोबाइल नंबर पर OTP जाएगा। आगे OTP को वहां पर फिल करेंगे और वैलिडेट कर देंगे। OTP को वैलिडेट करने के बाद आपको एक रेफरेंस या रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, उस रजिस्ट्रेशन नंबर से आप यहाँ पर स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। सिंपली मैं यहाँ से इसे बैक करता हूँ, और बैक करने के बाद आप यहाँ पर देखते हैं इस पेज पर जब आप आएंगे तो विजिट स्टेटस का ऑप्शन मिलता है, इस पर जब आप क्लिक करते हैं तो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर एंड कैप्चा डालेंगे तो आप यहाँ पर देखते हैं कि इसका स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ से बता दूँ कुछ ऐसे बात है जो आपको ध्यान देना है। अगर आप फिजिकल मोड यानी फेस टू फेस मिलते हैं तो वहाँ पर आपको जेल के
पास जाना होगा, वहाँ पर पता लगाना होगा जो भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है वो नंबर से आपको कब मिलने दिया जाएगा वो आप खुद से पता लगाएंगे। या डायरेक्ट अगर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मिलते हैं तो वहाँ पर वो ये प्रोसेस होता है कि आपको ईमेल पर या मोबाइल पर लिंक सेंड किया जाएगा जहाँ पर आपको कुछ टोकन नंबर भी मिलेगा, उस पर आप क्लिक करेंगे, वहाँ पर आपको टाइम दिनांक सेट किया रहेगा, इस टाइम को आपको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत कराई जाएगी। तो उस टाइम आप रेडी रहेंगे, अपने मोबाइल को ओपन करेंगे और लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपने कैदियों से बातचीत वहाँ पर किया जाएगा। उम्मीद करते हैं कि दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो दायल उम्मीद करते हैं कि दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर प्रेस कीजिएगा, और जो भी आपके मन में कन्फ्यूजन होता है वो आप नीचे कमेंट कीजिए या डायरेक्ट आप हमें इंस्टा पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो फिर से मिलते हैं किसी और दिन किसी और बढ़िया वीडियो के साथ।